हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन कुमार और डेली एग्री अपडेट्स के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री राधा मोहन सिंह और नाइजीरिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री ओदू ओगबे, इनकी मीटिंग हुई नाइजीरिया में और काफ़ी प्रोडक्टिव रही ये मीटिंग। भारत ने सराहना की है नाइजीरिया की, उनके द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में, मतलब कृषि और कृषि से जुड़े जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसकी काफ़ी सराहना की है भारत ने, खास करके ये ग्रीन अल्टरनेटिव इनिशिएटिव जो इनके द्वारा चलाया जा रहा है। पहले मैं बता दूं कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये एक इनिशिएटिव है नाइजीरिया को एग्रीकल्चर के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए और नाइजीरिया को डेवलप करने के लिए एज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका एक मेजर एक्सपोर्टर बनाना चाहता है नाइजीरिया को, इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया है ग्रीन अल्टरनेटिव इनिशिएटिव। और देखिए, अभी नाइजीरिया की सेम वही कंडीशन है जो हमारी अर्ली 1960s में थी, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले। तो हमने काफ़ी अच्छे काम किए, कई हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डेवलप किए, हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तब जाके हमारी जो डिपेंडेंस थी दूसरी कंट्रीज़ पर फूड के लिए, ग्रेन्स के लिए, एग्रीकल्चर में, तो वो कम हुई। तो वही इंडिया चाहता है कि अगर नाइजीरिया को किसी तरह की हेल्प चाहिए, हमारे एक्सपीरियंसेस वो शेयर करना चाहता है कि हमने कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो इंडिया तैयार है नाइजीरिया की मदद करने के लिए। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि 2015 में इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को $10 बिलियन का लोन दिया था कंसेशनल रेट्स पर, कंसेशनल लोन्स दिए थे, मतलब कम दरों पर लोन दिए थे। तो उसमें जो सबसे बड़ा लोन जो दिया गया था वो था नाइजीरिया, मतलब नाइजीरिया इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दे। दूसरी चीज़ है कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसका टाइटल था इंडिया नाइजीरिया कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड वे फॉरवर्ड। ये किया गया था इंडियन हाई कमीशन के द्वारा अबूजा में 5 दिसंबर को। तो इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री राधा मोहन सिंह ने ओदू ओगबे, वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इनको धन्यवाद दिया है। तो ये थे आज के डेली एग्री अपडेट्स। ऐसे ही डेली एग्री अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।